नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एट होम। बेटा आज हम हमारा जो पाठ दो है, अनोखा जादू का खेल, ओके, इसका अभ्यास पत्र करेंगे। ठीक है, आज हम इसकी वर्कशीट करेंगे। मैं ये वर्कशीट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप सभी ध्यान से इसे सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है हमें। ठीक है, ओके। इसका फर्स्ट है, अध्यापिका जी का नाम क्या था? पढ़ा है हमने चैप्टर में अनोखा जादू का खेल चैप्टर, क्या नाम था अध्यापिका का? संजना, वंदना, रंजना। क्या नाम था? यस, ख, वंदना। ओके, तो वंदना पे हम राइट का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दरवाजे के पीछे कौन छिपा था? कौन छिपा था, पढ़ाया हमने चैप्टर में, आप सबको पता है। क है निधि, ख है पार और ग है अमन। यस, कौन छिपा था दरवाजे के पीछे? अमन। अमन पे हम राइट का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, अध्यापिका जी ने किसके कपड़े पहने हुए थे? किसके कपड़े पहने थे? क है शिकारी के, ख है जादूगर के और ग है डॉक्टर के। किसके कपड़े पहने थे, क्या होगा इसका आंसर? यस, जादूगर के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, अध्यापिका जी ने बच्चों को कौन सा खेल दिखाया? क्लास में अध्यापिका जी जब गई थी, उन्होंने बच्चों को खेल दिखाया था। यस, राइट, कौन सा खेल दिखाया था? क्रिकेट का, फुटबॉल का या जादू का? तो क्या होगा इसका सही आंसर? ग, जादू का। ओके, किसका खेल दिखाया था? जादू का। यस, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पाठ में आए शब्द वितरित करना का क्या अर्थ है? वितरित करना मतलब, क है भेंट, ख है बांटना, घ है भगाना, है ना? उन्होंने क्या वितरित किया था, क्या होगा इसका आंसर? बांटना, ख है बांटना। वितरित करना, उन्होंने सभी बच्चों में खिलौने वितरित किए थे ना, पढ़ा था हमने चैप्टर में। यस, तो वितरित करना का मतलब बांटना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, खाली स्थान भरें, अध्यापिका जी कक्षा में हुई डैश 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 की घटनाओं पर रोज पूछताछ कर रही थी। कौन सी घटनाओं पर पूछताछ कर रही थी, पता है हम सबको, क्या आएगा यहाँ पर? चोरी की। ओके, चोरी की घटनाओं पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अध्यापिका जी ने छड़ी घुमाकर डैश 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 हिलाया, क्या हिलाया था? कोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, दरवाजे के पीछे छिपे अमन के चेहरे पर थी, क्या थी? उदासी। अमन उदास था ना दरवाजे के पीछे, उदास खड़ा था वो, उसके चेहरे पे क्या थी? उदासी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, खिलौने पाकर सभी बच्चों ने अध्यापिका जी को दिया, क्या दिया था? धन्यवाद। क्या दिया था सबने अध्यापिका जी को? धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 5th, सभी बच्चे जोर जोर से बजाने लगे, क्या बजाने लगे? तालियां, है ना? सभी बच्चे बजाने लगे थे ना जब अध्यापिका जी ने जादू दिखाया, और जैसे ही सारे खिलौने उनके कोट से नीचे
उन्होंने गिराए और जैसे ही सारे खिलौने पूरी कक्षा में दौड़ने लगे, बैटरी वाले खिलौने थे, तो सब बच्चों ने क्या बजाई थी, तालियां बजाई थी, है ना, और सब बच्चे खुश भी हुए थे। ओके, तो बेटा ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका 1, 2, 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर टू इसका भी 1, 2, 3, 4, 5, टोटल आपके 10 क्वेश्चंस हैं इस अभ्यास पत्र में। ओके, आपको क्या करना है, ये अभ्यास पत्र अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग से आपको करना है, ठीक है। आप जैसे मैंने हेडिंग डाली है पार्ट दो अनोखा जादू का खेल अभ्यास पत्र, इस तरीके से आपको भी हेडिंग डालनी है और सुंदर सुंदर राइटिंग में सारा वर्क आपको करना है, ठीक है। और अगर आप इसकी फ़ोटो कॉपी करवा सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, ओके। लेकिन अगर आपके पास फ़ोटो कॉपी की सुविधा नहीं है, अभी जो सिचुएशन चल रही है उस अनुसार अगर आप नहीं करवा सकते फ़ोटो कॉपी, तो कोई बाउंडेशन नहीं है, आप इसे अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग से करिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।